हेलो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये रेसिपी है। ये जो रेसिपी आज हम शेयर कर रहे हैं ये चिकन स्टू की रेसिपी है। बहुत आसान तरीका है चिकन स्टू बनाने का। ये हम इंडियन स्टाइल में आपको चिकन स्टू बनाने की रेसिपी दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने करीब आधा किलो चिकन लिया है, अच्छे से साफ करके धो लें, और यहीं पर मैंने करीब 250 ग्राम टमाटर लिए हैं। हालांकि जो आधा किलो चिकन है उसमें आप 100 ग्राम से 150 ग्राम तक आप टमाटो और अनियन डाल सकते हैं। जो टमाटो और अनियन की जो मिकदार है या क्वांटिटी आप समझ लें तो वो आपको बराबर क्वांटिटी में लेनी है, लेकिन यहाँ पर मैं टमाटोज जो ले रही हूँ वो करीब 250 ग्राम ले रही हूँ, और यही 250 ग्राम प्याज ले रही हूँ, क्योंकि अक्सर जो स्टू की ग्रेवी होती है वो थिक पसंद की जाती है और बोटियों पे लिपटी हुई रह जाती है। तो ज़्यादातर खाते वक्त ये होता है कि ग्रेवी है ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर टमाटर और प्याज 250-250 ग्राम ले रही हूँ। एक किलो में भी आप 250-250 ग्राम ले सकते हैं, और आधा किलो में आप 100-150 ग्राम टमाटर और प्याज ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा ग्रेवी रख रही हूँ तो मैंने आधा किलो चिकन में 250 ग्राम टमाटर और 250 ग्राम प्याज रखे हैं। यहीं पर 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा और खड़ा गर्म मसाला डाला जाता है। यहाँ पर मैंने करीब बे लीफ लिए हैं 2, यहाँ पर मैं इसे अलग अलग दिखा देती हूँ, 2 बेलीफ ली हैं और 2 ही मैंने यहाँ पर बड़ी इलायचियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, देखिए 2 बड़ी इलायची, और 6-7 मैंने लौंग ली हैं, 10-12 काली मिर्च या 15 भी हो सकती हैं, करीब 1 टीस्पून मैंने क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा लिया है। इसके अलावा जो और चीज़ें इसमें जाएंगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हम आपको गरम मसाला दिखा चुके हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर करीब 2 इंच का जिंजर लेकर के 2 इंच लेकर के उसे बारीक चॉप कर लिया है। तो ये हमने जिंजर लेना है। यहीं पर 10-12 क्लोव्स मैंने गार्लिक के लिए है, इसे भी आपने चॉप कर लेना है। साथ ही यहाँ पर कुटा धनिया रखा है, ये बस इतना आपको कूटना है कि एक दाने के 2 टुकड़े हो जाए, बस इतना, इससे ज़्यादा आपको बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। ये करीब 1 टीस्पून मैंने कोरिएंडर सीड्स लिए हैं यानी कि धनिया। यहीं पर 3 साबुत लाल मिर्च ली हैं, आप 4 भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्पाइसी हैं तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 साबुत लाल मिर्च ले रही हूँ जिसको मैंने चॉप कर लेना है। तो अब हम इसको बनाने के लिए ऑयल आपको बता देते हैं। करीब मैंने 3-4 टेबल स्पून ऑयल इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने ये 3-4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और अब हम तैयार कर लेते हैं चिकन स्टू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमने प्याज लिए हैं ये हमने बस आधे डालने हैं, ये देखिए आधे हमने बचा लिए हैं, आधे हमने इसमें ऐड कर लिए, और इसको सुनहरा होने तक हम फ्राई करेंगे। तो इसे अब हम फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्याज है वो काफी हद तक सुनहरी हो गई है। अब हमने इसमें क्या करना है, इसमें हम डाल देंगे ये लहसुन, साबुत गरम मसाला सारा ही हमने डाल दिया है, यहीं पर हम अदरक डाल देंगे और साबुत लाल मिर्च डाल देंगे, और साथ ही अब यहाँ पर चिकन ऐड कर देंगे। यही हम टमाटर ऐड कर देंगे, और यहीं पर हमने ये धनिया साबुत जो कूट कर रखा था वो भी हमने ऐड कर लेना है, और मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। नमक भी हम यहीं पर ऐड कर देंगे और इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है।
करीब 2 से 3 मिनट में इसे ढक दूंगी, जिससे कि प्याज और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो और इसमें एक जान सा मसाला हो जाए। तो मैं इसे ढक देती हूँ करीब 2 से 3 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, हम देखते हैं खोल के। देखिए काफी प्याज और टमाटर फूलने लगे हैं। अब हमें अच्छे से भुनाई करनी है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़े, हमें उस वक्त तक इसकी भुनाई करनी है। तो मैं इसे भून लेती हूँ, जब तक हमें भूनना है जब तक कि ये ऑयल इसका ऊपर ना आ जाए। मैं भून लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये इसकी भुनाई अच्छे से शुरू हो गई है और धीरे धीरे ऑयल भी बाहर आने लगेगा, सेपरेट होने लगेगा। जो चिकन है वो मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम पर कुक किया है ढककर। जो चिकन है हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से जल्दी गल जाता है, कुछ जगहों पर चिकन देर से गलता है, तो वो ढक करके इसको लो फ्लेम पर कुक कर सकते हैं जिससे कि जल्दी गल जाए। लेकिन मैंने यहाँ पर आपके सामने सिर्फ 3 मिनट फुल फ्लेम पर ढक करके कुक किया है, बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। ये भूनते भूनते ही चिकन गल जाता है और कुछ जगहों पर बहुत जल्दी से चिकन गल जाता है। तो वो जिस वक्त आप अदरक लहसुन और के साथ भूनते हैं तभी आप इसको प्लेट में निकाल दें और प्याज टमाटर की ग्रेवी को अलग से आप सॉफ्ट होने दें, नहीं तो ये जो चिकन है वो भूनने से सूख जाएगा और रेशे रेशे हो जाएगा, मज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आपको भूनना है। मैं इसे भून लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है, किस तरह से इसे सर्व करना है, तैयार करना है। देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक ऑयल सेपरेट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज और टमाटर आधा किलो के हिसाब से ज़्यादा लिए थे, उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बोटियों में मसाला एकदम लिपटा हुआ है, क्योंकि जो है स्टू का जो मसाला होता है वो तकरीबन इसी तरह का होता है, थोड़ा सा इसमें पानी डाला जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं होती, थिक ग्रेवी होती है, बोटियों से लिपटी हुई होती है। इसलिए मैंने डबल लिया था क्योंकि हमारे घर में मसाला ज़्यादा खाया जाता है और अगर आप जो है मसाला ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो बेशक आप आधा किलो में 100 से 150 ग्राम प्याज और 100 से 150 ग्राम टमाटर डालें। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आप प्याज असल कलर होता है वो ये होता है, आप चाहें तो हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपीज होती हैं उसमें हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये खड़े मसालों के साथ ही बनाया जाता है। दूसरी बात, कई जगहों पर दही का इस्तेमाल किया जाता है, टमाटर ना हो तो आप दही डाल सकते हैं लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है स्टू की उसमें जो है दही का इस्तेमाल नहीं होता, टमाटर का इस्तेमाल होता है। बाकी ऐसी डिश है जो तकरीबन बहुत से मुल्कों में खाई जाती है, सभी मुल्कों में खाई जाती है और उसका जो बनाने का तरीका होता है वो हर मुल्क का अलग अलग है। मैं यहाँ पर आपको इंडियन स्टाइल या ये समझे एशियन स्टाइल आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी अच्छे से भून गई है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं रहा। अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी मिला दूँगी, करीब 1 कप मैं इसमें पानी मिला रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको कप का साइज दिखा रही हूँ, बहुत बड़ा कप नहीं है, करीब समझो कि 100 ml रहा होगा ये पानी, तो ये हमने इसमें मिला दिया है। और इस वक्त भी आप देखेंगे कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा पानी वाली नहीं हुई है, बोटियों पर मसाला लिपटा रहने वाला होना चाहिए, जब भी इस रेसिपी में जायका आता है, मज़ेदार लगती है। और ये जो है अब हम फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं, करीब 2 मिनट हम इसे पकाएंगे ढक करके लो फ्लेम पर, सिर्फ 2 मिनट आपको कुक करना है और रेसिपी हमारी तैयार है। तो करीब 2 मिनट हमने लो फ्लेम पर इसे कुक कर लिया है और हमारी जो डिश है वो बिल्कुल तैयार हो गई है, फ्लेम मैं बंद कर चुकी हूँ और अब हम इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं कि किस तरह से आपको इसे सर्व करना है। वैसे
रेसिपी को किसी भी सजावट और बनावट की जरूरत नहीं है। ये खुद में बहुत बेहतरीन रेसिपी है, बहुत ही मजेदार। आप स्टू करके भी खाएं, अगर वो वाकई बेहतरीन तरीके से बना होगा तो उसका जायका हमेशा अच्छा मिलेगा। तो मैं आपको सर्व करती हूँ। तो लीजिए जनाब, बिल्कुल तैयार है ये गर्मा गर्म स्टू की रेसिपी। ये डिश बहुत ही मजेदार बनती है और बहुत आसान है बनाने में। आप यकीन जाने 25 मिनट इस रेसिपी को तैयार करने में लगते हैं और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स, जैसे आपके सामने ही मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करे हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल और बहुत ही मजेदार रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज